नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये? चलिए, इसमें आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, रही थी, रहे थे। अब आपने ये चीज पढ़ी होगी कि ये चीज अपन एक जगह और पढ़ चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। तो आप डिफरेंस कैसे करेंगे? इसकी जो विशेषता रहेगी वह ये रहेगी कि इसमें समय आएगा, टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वह 2 घंटे से कार्य कर रहा था, वह 5 घंटे से कर रहा था, 10 घंटे से कर रहा था, या सोमवार से कर रहा था, 1956 से कर रहा था। तो समय अगर आया तो आप समझ जाएंगे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब वो कौन सा कंटिन्यूअस है वो आप कैसे पहचानेंगे? उसमें आपको ये देखना था है कि ये आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है रही है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर रहा होगा रही होगी इस टाइप के आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। टाइम अगर आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ था थी थे देख रहे हैं, यानी वो भूतकाल की बात है, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए अब ये चीज़ होगी कि टाइम आएगा उसमें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए टाइम के लिए हम 3 चीज़ें यूज करेंगे, या तो सिंस, या फोर, या फिर टिल। सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, निश्चित समय में आपका क्या आ जाएगा, कोई भी बार आ जाएगा, कोई भी महीना आ जाएगा, कोई सन आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे से सुबह कार्य कर रहा था, शाम को कार्य कर रहा था, कोई भी निश्चित समय होगा तो उसके लिए सिंस आ जाएगा। यदि 2 घंटे से कार्य कर रहा था तो कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे? अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे। और समय में यदि तक आ जाएगा, 2 बजे तक कार्य करा था, ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, तक अगर आ जाए तो उसके लिए हमें टिल का यूज करना है। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके बाद आप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और उसके बाद में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो तीसरा नियम आप ये याद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपको हेड बी ही लगाना है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा, मतलब एक वचन में क्या लगता है, बहुवचन में क्या, इसमें डायरेक्ट हेड के साथ क्या लग जाएगा? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस फॉर टिल का कब यूज होगा मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और फिर आपको टाइम दे देना। अब आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, अब आप यहाँ पर देखें, सभी में ही रहे थे, रहा था, रही थी, इस टाइप की चीजें देखने को मिली। ओके, अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ क्या रहेगा, तो सुबह से क्या कर रहे थे, क्या कहाँ पर आया है? बीच में। ओके, तो क्या अगर बीच में आया है तो क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। तो वो चीज हमें लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? व्हाट। ओके, यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के लिए हम क्या लिख देंगे? यू। लिख लिया हमने, यू के साथ सहायक क्रिया हेड यूज करेंगे ना, तो वो हेड शुड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो ये प्रश्नवाचक होने के कारण यहाँ पर हेड आ जाएगा, व्हाट हैड यू। ठीक है, क्या कर रहे थे? व्हाट हैड यू डूइंग। डू है फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लग गया? आईएनजी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ दे नहीं रखा कि क्या कर रहे थे, वो रीजन भी नहीं बताया है, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। अब आप समय लिखेंगे सुबह से, सुबह क्या होती है? निश्चित होती है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस। और सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट दिया होता तो डूइंग के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, इसलिए सेंटेंस में हम सिंस फोर में आ गए। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव का साइन लगा दिया। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। हम कल से अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, हमको क्या बोलते हैं? बी। ठीक है, बी लिख दिया, फिर हेड, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना, तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? रीड। और उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? रीडिंग इंग्लिश बुक, रीडिंग इंग्लिश बुक। और कब से पढ़ रहे थे? कल से, है ना, तो कल भी क्या है? निश्चित है, तो सिंस यस्टरडे। जो बीत गया है कल उसके लिए हम यस्टरडे यूज करेंगे, आने वाले कल के लिए टुमारो यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। यहाँ तो हमें सोचने की है, हेड है, मतलब हमें क्या
अब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आई हैड नॉट बीन, फिर स्कूल नहीं जा रहा था तो जाना आ जाएगा गोइंग टू स्कूल, फिर सोमवार, सोमवार भी क्या है निश्चित है तो सिंस मंडे आ जाएगा, सिंस मंडे, तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपको फॉर्मूला पता हो, ओके। क्या तुम दो घंटे से बाजार जा रहे थे, यहाँ क्वेश्चन कहाँ पर आया, क्या कहाँ पर आया शुरू में, तो आपको वाट नहीं लिखना है, आप सिर्फ जो सहायक क्रिया तुमके साथ यूज होगी उसको कहाँ लिख दोगे शुरू में, हैड यू, हैड यू बीन गोइंग टू मार्केट दो घंटे, अब हमें पता नहीं है कौन से दो घंटे हैं, तो आप फोर का यूज करेंगे, फॉर टू और, ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल